वेलकम बैक दोस्तों, मैं के विश्वकर्म में मैं फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्ट्रीम स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि यहां पे आज हम लोग भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का पार्ट टू पढ़ेंगे और ये दोस्तों जो हमारी सीरीज चल रही है वो आरआरबी एएलपी भर्ती 2024 का सीबीटी वन एग्जाम जो होगा उसी से रिलेटेड हमारा सीरीज यहाँ पे चल रही है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस भौतिक विज्ञान के आज हम पार्ट टू में मापन और मापक यंत्र से रिलेटेड चैप्टर पढ़ेंगे और इन दो चैप्टरों को इसी पार्ट में हम लोग फिनिश करेंगे। टोटल क्वेश्चन हमारे दोस्तों होंगे 73 नंबर से लेकर के 149 नंबर तक के क्वेश्चन होंगे। दोस्तों ये जो हम लोग बुक पढ़ा है दोस्तों वो हमारे यूथ कमीशन टाइम्स के 2024 और 2022-23 के बुक हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर पेपर आधारित प्रश्नों का ही संकलन यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि ये फिजिक्स की क्लास हमारी जो हर रोज शाम को 6 बजे आती है और आप लोग हमारे इस वीडियो से साथ हमारे इस चैनल से जुड़ना बिल्कुल भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि रेलवे में जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे एग्जाम के पहले पहले सॉल्व करवा दिया जाएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि यदि प्रीवियस ईयर का जो भी मैथ और रीजनिंग है वो भी क्लास हमारी स्टार्ट होनी है, दोस्तों आपको बता दूं कि उसकी क्लास आपको किस टाइम पे चाहिए ये आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ ही दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों इन सभी का लिंक आपको दोस्तों हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे और पहला क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया कि एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है। दोस्तों चार ऑप्शन दिए गए हैं, 1.01 × 10^5 pascal, 10.1 × 10^5 pascal, 1.01 × 10^6 pascal, डी ऑप्शन में दिया गया है 10.1 × 10^6 pascal। दोस्तों जो पीए लिखा है ये पास्कल है। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, दो बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2018 के ग्रुप डी के पेपर में। एक एटमॉस्फेयर बराबर दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन जो होता है यहाँ पे देखा जाए तो एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.01 × 10^5 pascal। तो ये ऐसा ऑप्शन हमारा मौजूद है दोस्तों ए पे, तो ए हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि 73 का ए के साथ ये क्वेश्चन राइट होगा। और अगला देखेंगे हम लोग 74 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक हॉर्स पावर बराबर किसके बराबर होता है। दोस्तों एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है ये क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया 746 वाट, 768 वाट, 764 पहले दिया गया था, ये तो गलत है दोस्तों, 768 भी गलत है, 746 यानी कि ऑप्शन हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये दोस्तों हमारा एएलपी एंड टेक्नीशियन के 20/8/2018 के शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों एक हॉर्स पावर कह दिया जाए तो भी बात वही है, अगर एक अश्वशक्ति कह दिया जाए तब भी वही बात है, यानी कि एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट या फिर एक अश्वशक्ति बराबर भी 746 वाट लिखा जाता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 74 का, यहाँ पे सी के साथ हमारे क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे देखेंगे हम लोग 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन में कहा कि 746 वाट को क्या कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है, हमने पढ़ा है एक अश्वशक्ति को 746 वाट कहा जाता है, यानी कि 75 का हमारा यहाँ पे ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 75 के बाद दोस्तों हम लोग 76 नंबर क्वेश्चन, और 76 नंबर में कहा है कि एक डायोप्टर डॉट डॉट के बराबर होता है, 1 मीटर प्रति मीटर या 1 प्रति मीटर, 1 डेसी प्रति मीटर, 1 सेंटी प्रति मीटर। अब दोस्तों एक डायोप्टर जो होता है वो होता है 1 प्रति मीटर, इसको इतना लिख देंगे तो भी ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं एक ऐसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन राइट हो जाएगा, एक डायोप्टर हमारा 1 मीटर की पावर -1 के बराबर होता है। ये हमारा दोस्तों 76 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 77 नंबर क्वेश्चन, और 77 नंबर क्वेश्चन पे यहां पर दिया गया है कि 1 मीटर किसके बराबर होता है, 10^-6 माइक्रॉन के, 10^-6 माइक्रॉन के, 10^-3 माइक्रॉन के, 10^-3 माइक्रॉन के। तो 77 का हो जाएगा 10^-6 माइक्रॉन के, यानी कि 1 मीटर किसके बराबर होता है दोस्तों, 10^6 माइक्रॉन के बराबर होता है। तो दोस्तों यहां पे हमारा 77 का बी के साथ 10^6 माइक्रॉन के बराबर होता है 1 मीटर।
चलिए अगला देखते हैं हम लोग 77 के बाद दोस्तों 78 नंबर क्वेश्चन। और 78 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि आ गया है कि परमाणु त्रिज्या डॉट डॉट में पाई जाती है। दोस्तों परमाणु त्रिज्या किस में पाई जाती है, ये क्वेश्चन पूछने का मतलब है। करा परमाणु त्रिज्या मिलीमीटर में पाई जाती है, सेंटीमीटर में पाई जाती है, किलोग्राम में पाई जाती है, फिर दोस्तों नैनोमीटर में पाई जाती है। 78 का हो जाएगा डी, परमाणु त्रिज्या हमारी नैनोमीटर में पाई जाती है, यानी कि 78 का डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 78 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 79 नंबर क्वेश्चन। और 79 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, यहां पे कहा गया है कि प्रदीप्त की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है। अब दोस्तों मिली वोल्ट मीटर का उपयोग करके की जाती है, स्ट्रोबोस्कोप के माध्यम से किया जाता है, लक्स मीटर से या पीएच मीटर से। दोस्तों प्रदीप्त के माप की निम्न में से किसके उपयोग से इसका माप किया जाता है, तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा लक्स मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि 79 का अगर देखेंगे तो हमारा सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन। और 80 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख के ही समझ लीजिए दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कितनी बार पूछा गया है। ये 2018 के पेपर में 4 बार तो ग्रुप डी में पूछा गया है और 1 बार आरआरबी एलपीएन टेक्नीशियन के पेपर में पूछा गया है 2018 में ही। तो इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और देखेंगे। कहा गया है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, दोस्तों कितना होता है, ये होगा दोस्तों हमारा 3.6 × 10⁶ माइनस लगा दो दोस्तों, माइनस वाला नहीं होगा, ये गलत हमने टिक कर दिया यहां पे, ये होगा हमारा सी नंबर। यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों 3.6 × 10⁶ जूल, यानी कि 80 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब दोस्तों कैसे होगा इस बारे में जान लेते हैं, चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। यहां पे जैसे कि ये लिखा हुआ है कि 1 किलो वाट घंटा बराबर, दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं 1 किलो वाट × 1 घंटा, इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है। अब दोस्तों देखिए 1 किलोवाट तो ये हमने 1 लिख दिया, किलोवाट तो 1000, 1 किलोवाट में 1000 वाट के बराबर होता है, घंटा को हमने सेकंड में बना लिया तो 60 × 60 आगे सेकंड लिख दिया, ठीक है। अब दोस्तों अगर इसको और आगे हल किया जाए तो देखा जाएगा तो दोस्तों ये हमारा आ जाएगा 1000, और यहां पे वाट को हम लिख सकते हैं दोस्तों जूल प्रति सेकंड लिख सकते हैं, इंटू 60 और 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3600 सेकंड हो जाएगा। दोस्तों ये सेकंड से ये सेकंड हमारा कैंसिल हो जाएगा तो यहां पे आ जाएगा, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 और ये 3 जीरो हमारे 100 के बन जाएंगे और आगे हमारा जूल लिख दिया जाएगा। अब अगर इसको देखेंगे तो दोस्तों आपको पता है कि 36 हमारा वैसे लिख दिया जाएगा और जितने जीरो होते हैं 10 की पावर उतना लगा दिया जाता है, आगे जूल लिख दिया जाएगा। अब दोस्तों यहां पे हम एक पॉइंट और इधर खिसका लेंगे तो 3.6 लिख देंगे इसको और 10 की पावर जो 5 था वो 6 हो जाएगा, यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होगा दोस्तों 3.6 × 10⁶ जूल। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 80 के बाद दोस्तों हम लोग 81 नंबर क्वेश्चन। और 81 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा डॉट डॉट के बराबर होता है। अभी दोस्तों हम लोगों ने हल किया है 36 × 5 जीरो, यानी कि डी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम करके दिखाते हैं वापस से इसको। यहां पे कहा है कि 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा के बराबर होता है, यहां पे दोस्तों 1 किलोवाट घंटा की बात की गई है, किसके बराबर होगा दोस्तों, तो 1 किलोवाट हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं इनटू दोस्तों यहां पे हम लिख सकते हैं इसको 1 घंटा। दोस्तों हमने बताया 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, किलो को हमने 1000 लिख लिया और आगे दोस्तों घंटे को हमने सेकंड में बना लिया तो 60 × 60 सेकंड। अब दोस्तों यहां से हम इसको कर सकते हैं, 1000 तो हमने वही लिख दिया दोस्तों, यहां पे 1 जीरो ज्यादा बन गया है तो 1 जीरो हम कम कर देते हैं यहां से। तो अब दोस्तों यहां पे देख लीजिएगा ये हमारा 1000 लिखा था और ये आगे 60 और 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3600 और ये जो सेकंड आगे लिखा हमने सेकंड लिख दिया और वाट जो लिखा वाट का होता है, वाट का दूसरे इकाई में अगर देखा जाए तो ये जो दोस्तों ये वाट होता है वाट का ये लिख देंगे तो भी ठीक है या फिर इसको लिख सकते हैं जूल
प्रति सेकंड इसको लिखा जा सकता है, जूल प्रति सेकंड दोस्तों ये लिख दिया जाएगा, ये तो फिर दोस्तों ये लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे जूल प्रति सेकंड, दोस्तों ये सेकंड से ये सेकंड हमारा कट जाएगा और यहां पे आ जाएगा हमारा 36 बना करके 50 और आगे जूल। दोस्तों यही हमारे इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी 81 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 81 के बाद हम लोग 82 नंबर देखेंगे और 82 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि 1 किलोवाट बराबर होता है। दोस्तों यहां पे पूछा है 1 किलोवाट बराबर होता है, दोस्तों कितने वाट जूल प्रति सेकंड होता है, 1 किलोवाट बराबर हम जानते हैं 1000 वाट होता है। अब ये 1000 तो हमने वही लिख दिया, अब वाट को हमने लिख दिया जूल प्रति सेकंड, इतना लिख देंगे तब भी ठीक है या हमको आंसर से मैच कराना है, तो 1000 जूल और सेकंड को जब ऊपर ले जाएंगे तो सेकंड की पावर -1 हो जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर के इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा 1 किलोवाट घंटा बराबर हो जाएगा 1000 जूल सेकंड की पावर -1। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 82 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 82 के बाद दोस्तों लोग 83 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे कहा है कि 1 किलोवाट बराबर शक्ति, 1 किलोवाट डॉट डॉट शक्ति के बराबर होता है, 1 किलोवाट किसकी शक्ति के बराबर होता है, तो 1 किलोवाट दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए हम इसको लिखेंगे 1 किलोवाट किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों 1000 वाट के बराबर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे 83 के बाद दोस्तों लोग 84 नंबर क्वेश्चन, और 84 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि 5.5 किलोवाट घंटा बराबर क्या होगा। हम दोस्तों जानते हैं कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है कितना, 3.6 × 10⁶ जूल होता है। यहां से हमको निकालना है 5.5 किलोवाट का, तो 5.5 हमने वही लिख दिया और आगे जैसे दोनों पक्षों में 5.5 वाट का हमने यानी कि गुणा करा दिया, तो हमने दोस्तों इधर भी गुणा करा दिया और इधर भी हम 5.5 का मल्टीप्लाई करके 3.6 × 10⁶ जूल ये लिख लिया। अब अगर दोस्तों अगर इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5.5 किलोवाट घंटा और बराबर ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा 6×5 = 30, यानी कि अगर इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई करने पर जो टोटल आएगा ये आ जाएगा 19.80 आ जाएगा। अब 10⁶ हमारा 6 आ जाएगा, आगे जूल हो जाएगा, तो यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा 19.8, यानी कि इसको दूसरी भाषा में और अगर लिखना चाहे जीरो को इस बार हटा दीजिएगा तो 19.8 × 10⁶ जूल लिख दीजिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा देखा जाएगा तो डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 84 के बाद दोस्तों हम लोग 85 नंबर देखेंगे और 85 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि 5.6 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा। फिर भी दोस्तों हम लोग पिछला क्वेश्चन जैसे किए इसको भी वैसे ही कर लेते हैं, 1 किलोवाट घंटा बराबर हम जानते हैं 3.6 × 10⁶ जूल, तो दोस्तों यहाँ पे 5.6 निकालना है हमको, तो 5.6 किलोवाट का इसमें हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 5.6 × 3.6 × 10⁶ जूल। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा 5.6 किलोवाट तो जैसे लिखा है वैसे लिख दिया जाएगा और इनका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारा 85 का जो बन जाएगा ये इसका मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 20.16 × 10⁶ जूल हो जाएगा। अब ऐसा ऑप्शन दोस्तों मिला लीजिएगा कहां पे मैच हो रहा है, ये ऑप्शन हमारा ए पे मौजूद है, तो हमारा 85 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं कि 5.6 और 3.6 का जो मल्टीप्लाई किया गया है दोस्तों कैसे किया जाएगा, जिन बच्चों को ना पता हो वैसे इतना तो जरूर ही पता होगा, फिर भी मैं चलिए करके एक बार आपको दिखाता हूँ। 6×36 की दोस्तों 6 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा 3, 6×5 = 30 और 3 हो जाएगा 33, एक अंक हम हटा देंगे और 3×6 = 18 और 3×5 = 15, 16 हो जाएगा, जोड़ेंगे दोस्तों 6×8 = 3 = 11, 6×3 = 9 = 10 और ये 1×1 = 2। अब दो अंक एक अंक यहाँ एक अंक यहाँ दो अंक है तो 2 अंक बाद दशमलव आप लगा दीजिए 20.16 दोस्तों देख लीजिएगा ये आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे और दोस्तों जैसे चलिए अभी आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे 85 के बाद दोस्तों 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और 86 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि 1 न्यूटन बराबर होगा। अब दोस्तों यहाँ पे 86 में पूछा गया कि 1 न्यूटन बराबर होगा, हमको 1 न्यूटन बराबर निकालना है, तो हम फार्मूला जानते हैं दोस्तों क्या होता है, हम बल का फार्मूला जानते हैं,
बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे, दोस्तों क्या होता है त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये होता है बल का फॉर्मूला। अब अगर हम दोस्तों देखें तो बल का मात्रक जो होता है न्यूटन होता है, हमने न्यूटन लिख लिया, और द्रव्यमान का मात्रक जो दोस्तों होता है हमारा क्या होता है, वो होता है किलोग्राम, हमने किलोग्राम लिख लिया, और त्वरण का हम मात्रक जानते हैं दोस्तों क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब यहां से पूछा गया है कि एक न्यूटन बराबर क्या होगा, अगर दोस्तों एक यहां पे लिख ले और एक यहां पे लिख ले और एक यहां भी लगा ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक न्यूटन बराबर इसको हम आगे बता सकते हैं दोस्तों, एक न्यूटन बराबर हमारा क्या बन गया, ये बन गया एक किलोग्राम और मीटर, एक किलोग्राम इंटू यहां पे इंटू एक मीटर, और सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो सेकंड की पावर माइनस वन हो जाएगा, यानी कि एक किलोग्राम एक मीटर सेकंड की पावर माइनस टू, ऐसा ऑप्शन हमारा दोस्तों बी पे मौजूद है, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 86 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक न्यूटन पूछा था दोस्तों हमने, एक न्यूटन बराबर निकाल लिया, एक किलोग्राम इंटू एक मीटर प्रति सेकंड की पावर माइनस टू निकाल लिया। आगे देखेंगे दोस्तों 86 के साथ दोस्तों हम लोग 87 नंबर, यहां पे कहा है कि एक न्यूटन बराबर होगा दोस्तों, यहाँ पे 86 देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया गया, एक न्यूटन बराबर यहां भी दिया गया है तो हमने निकाल लिया, और 86 के बाद दोस्तों फिर आगे 87 नंबर में भी यही क्वेश्चन दिया गया है एक न्यूटन बराबर, तो एक न्यूटन बराबर अभी देखिए हमें लोगों ने क्या निकालना है, निकाला है एक किलोग्राम इंटू एक मीटर सेकंड की पावर माइनस टू, एक किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर माइनस टू। अब यहां पे दोस्तों यहां पे इस जगह पे एक नहीं लगाया है, अगर एक आप लगा देंगे तब भी कोई बुराई नहीं है, और नहीं लगाएंगे तब भी कोई बुराई नहीं है, तो यानी कि 87 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों हम लोग 87 के बाद दोस्तों 88 नंबर क्वेश्चन, और 88 नंबर क्वेश्चन पर दिया गया है कि 4.6 किलोवाट घंटा बराबर होता है दोस्तों किसके, हम जानते हैं कि एक किलोवाट घंटा बराबर दोस्तों होता है 3.6 × 10 की पावर 6 जूल होता है, हमको निकालना है 4.6 का, तो 4.6 इंटू एक किलोवाट घंटा बराबर यहां पे 3.6 × 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई दोस्तों यहां पे कर देंगे 4.6 जूल, तो ये हमने 4.6 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर यहां से देखें तो ये 4.6 किलोवाट घंटा बराबर आ जाएगा हमारा 3.6 और 4.6 का जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों देख लीजिएगा 6×6=36, तो हमारा पहला इकाई का वैल्यू 6 आएगा और दो अंक बाद दशमलव लगेगा, दो अंक बाद दशमलव लगेगा दोस्तों, दो अंक वाला हमारा यही बन रहा है, पहले स्थान पे इकाई की वैल्यू के स्थान पे 6 आ भी रहा है, यानी कि हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा 16.56, यानी 10 की पावर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 6 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा 88 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 88 के बाद दोस्तों लोग 89 नंबर देखेंगे, यहाँ पे कहा है कि 2 किलोवाट घंटा बराबर क्या होगा, हम जानते हैं कि 1 किलोवाट घंटा बराबर दोस्तों होता है 3.6 × 10 की पावर 6 जूल, हमको निकालना है 2 किलोवाट घंटा का दोस्तों, तो 2 × 1 किलोवाट घंटा बराबर इधर भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3.6 × 10 की पावर 6 जूल। आगे देखेंगे दोस्तों, अब अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 किलोवाट घंटा बराबर 36.72, एक अंक बाद दशमलव लगा दिया, इंटू 10 की पावर 6 जूल। अब ऐसा ऑप्शन दोस्तों देख लीजिए हमारा कौन से ऑप्शन पे मौजूद है, 7.6 × 10 की पावर 6, 7.2 × 10 की पावर 6 जूल, ऑप्शन नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 89 के बाद दोस्तों 90 नंबर में यही चीज दी गई है, कहा गया 4.2 किलोवाट घंटा बराबर क्या होगा, अब 4.2 किलोवाट घंटा बराबर निकालना है तो हम जानते हैं 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है हमारा 3.6 × 10 की पावर 6 जूल, हमको निकालना है 4.2 का, तो 4.2 का मल्टीप्लाई 1 किलोवाट घंटा में हम कर देंगे दोस्तों, तो इधर भी हम रख देंगे दोस्तों कितना, ये 4.2 × 3.6 × 10 की पावर 6 जूल, दोस्तों जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4.2 किलोवाट घंटा, इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारा 15.12 × 10 की पावर 6 जूल। अब दोस्तों आपको अब यहां पे ऐसा देखिए हमारा कहां पे मौजूद है, ये मौजूद है दोस्तों हमारा बी ऑप्शन पे मौजूद है दोस्तों, आपको पता होगा जैसे मैं आप ये जैसे यहां पर मैंने कर लिया 4.2 और 3.6 का मल्टीप्लाई मैंने डायरेक्ट रख दिया 15.12,
तो आपको सोच में समझ में आ रहा होगा कि मैंने डायरेक्ट जल्दी कैसे कर दिया। तो आपको बता दूं, देख लीजिएगा 4.2 और 3.6 का जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूना 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे इकाई का वैल्यू 2 अंकों बाद दशमलव लगेगा क्योंकि 2 अंक है, तो देखिए 2 अंकों बाद दशमलव लगने में यही एक आ रहा है, इकाई का वैल्यू 2 आ भी रहा, तो इसका मतलब हमारा यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो हमारा यहाँ पे हमने बी को टिक किया और आगे क्वेश्चन की और हम लोग बढ़ेंगे। 90 के बाद दोस्तों हम लोग 91 नंबर पे आ जाएंगे और 91 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है। दोस्तों प्रकाश वर्ष द्वारा हम लोग दूरी को मापते हैं, किसको मापते हैं दोस्तों, दूरी को मापते हैं। अब एक चीज आपको बता दूं कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता क्या है, एक प्रकाश वर्ष बराबर हमारा होता है 9.46 × 10 की पावर दोस्तों 12 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि कभी कभी पूछा जाएगा कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 × 10 की पावर 12 किलोमीटर होता है। अब प्रकाश वर्ष से हम किसे मापते हैं दोस्तों, दूरी को मापते हैं, यानी कि 91 का हमारा यहाँ पे बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे हम लोग देखेंगे 91 के बाद दोस्तों 92 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है। तो 1 नैनोमीटर बराबर जो हमारा हो जाएगा वो होता है दोस्तों, 1 नैनोमीटर बराबर 1/10 की पावर 9 मीटर होता है, इतने मीटर। इतना आप रख देंगे तब भी ये क्वेश्चन हमारा ठीक हो जाएगा, या फिर इसको इस प्रकार भी ले सकते हैं, 10 की पावर 9 ऊपर जाएगा तो -9 मीटर आ जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिए ऑप्शन में आपके क्या मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है दोस्तों पहला वाला, यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन का 1 नैनोमीटर बराबर यही हमारे इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 नैनोमीटर बराबर हमारा क्या बना, 1/10 की पावर 9 मीटर। चलिए आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे 92 के बाद दोस्तों 93 नंबर में कहा है कि 1 कूलाम प्रति 1 सेकंड बराबर क्या होगा, 1 कूलाम प्रति 1 सेकंड बराबर क्या होगा, यहाँ पे हमको 93 नंबर क्वेश्चन में बताना है। तो हम जानते हैं दोस्तों, अगर हम एक फार्मूला लिखे दोस्तों कि ये होता है विद्युत आवेश बराबर, ये आगे क्या निकाल के आएगा, यहाँ पे मैं आपको दिखाई दे रहा हूं पूरा निकाल करके, इसका डेरिवेशन निकाल करके, विद्युत धारा बराबर हम फार्मूला जानते हैं, विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय होता है दोस्तों, क्या होता है हमारा, आवेश बटे समय होता है। अब अगर देखा जाए तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है दोस्तों, एम्पियर होता है, तो हमने एम्पियर रख दिया। और आगे देखा जाए आवेश, तो आवेश का मात्रक होता है दोस्तों कूलाम, कूलाम होता हमने रख दिया। और समय का मात्रक होता है दोस्तों हमारा क्या, सेकंड, हमने सेकंड रख दिया। अब दोस्तों अगर इधर भी हम एक लगा लेते हैं, यहां भी एक लगा लेते हैं, यहां भी एक लगा देते हैं, तो कोई फर्क एक लगाने से नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन में दिया है कि 1 कूलाम बटे 1 सेकंड, यहां पर देख लीजिए यह हमारा मिल गया, 1 कूलाम बटे 1 सेकंड बराबर क्या होगा, 1 एम्पियर हो जाएगा, यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें 93 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 93 के बाद 294 नंबर, यहां पे कहा है कि 1 पिकोमीटर डॉट डॉट के बराबर होता है, 1 पिकोमीटर किसके बराबर होगा दोस्तों, 10 की पावर -11 मीटर के, 10 की पावर 12 मीटर के, 10 की पावर -12 मीटर के, 10 की पावर 11 मीटर के। ये दोस्तों हमारे मुरब्बी के 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये हमारा 94 का हो जाएगा दोस्तों 10 की पावर -12 मीटर, यानी कि सी के साथ हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1 पिकोमीटर, यहां पे 1 पिकोमीटर बराबर अगर पूछा गया है दोस्तों, तो 10 की पावर -12 मीटर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे यहां पे दोस्तों हमारा 94 नंबर था, 95 नंबर पे आ जाएंगे और 95 नंबर में कहा है कि 1 जूल किसके बराबर होता है, 1 जूल तो वो होता है दोस्तों हमारा, जूल जो होता है 1 न्यूटन और 1 मीटर के बराबर होता है। यानी कि 95 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन × 1 मीटर के बराबर हो जाएगा। यहां पर हमारा 95 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो गया, बिल्कुल राइट हो गया। 96 नंबर पे देखेंगे दोस्तों, 96 नंबर हमारा कहा है कि एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है, यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी। दोस्तों हम जानते हैं कि 5 दिनों में कितनी इकाई खर्च होती है दोस्तों, 100 यूनिट खर्च होती है,
यानी 100 इकाई खर्ची होती है, चाहे इकाई कहे तो यही बात है, इकाई हिंदी शब्द है, यूनिट हमारा अंग्रेजी शब्द है। तो एक इकाई बराबर हम जानते हैं दोस्तों क्या होता है, या एक यूनिट बराबर हम जानते हैं, एक यूनिट बराबर 3.6 × 10^6 जूल होता है। हमको यहां पे 100 इकाई का निकालना है दोस्तों, 100 यूनिट अगर यहां पे लिख दें, 100 यूनिट बराबर 3.6 × 10^6 दोस्तों यहां पे हो जाएगा हमारा 100 जूल। अब दोस्तों अगर इसको हल करेंगे 3.6 हो जाएगा, 10^6 यहां पे तो ऑलरेडी है, 2 पावर यहां से बन जाएगा, तो 10^8 हो जाएगा 8 जूल। ऐसा ऑप्शन हमारा दोस्तों कहां पे मौजूद है, ये मौजूद है हमारा दोस्तों डी ऑप्शन पे, 3.6 × 10^8 जूल। 96 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे आ जाएंगे दोस्तों 96 के बाद दोस्तों लोग 97 नंबर क्वेश्चन पे, और 97 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है दोस्तों, ऊष्मा मापी जाती है, आर्द्रता मापी जाती है, बल मापा जाता है, या फिर दोस्तों विकर्ण मापा जाता है। तो हाइग्रोमीटर दोस्तों हम लोग आर्द्रता मापते हैं, यानी 97 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब दोस्तों हाइग्रोमीटर से हम आर्द्रता तो मापते हैं, यानी किसकी आर्द्रता मापते हैं, वायुमंडल की मापते हैं, किसकी मापते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों 97 का, दोस्तों 98 नंबर क्वेश्चन, और 98 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों पाइरोमीटर, एपीडिया स्कोप, या पेरिस्कोप, या ओडोमीटर, तो दोस्तों वो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, यानी कि 98 का सी के साथ पेरिस्कोप, पेरिस्कोप हमारे इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है उसका नाम है पेरिस्कोप, ये हो गया। अब अगर बात की जाए दोस्तों यहां पे पाइरोमीटर की, चलिए हम पाइरोमीटर में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, यहां पे पाइरोमीटर, पाइरोमीटर का प्रयोग कहां पे किया जाता है दोस्तों, अगर इसका प्रयोग की बात की जाए तो दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पाइरोमीटर का दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने के लिए। अच्छा ये हो गया। फिर उसके बाद अगर देखें दोस्तों एपीडिया स्कोप का प्रयोग कहां पे किया जाता है, एपीडिया स्कोप इसका उपयोग कहां पे किया जाता है, तो इसका चित्रों को पर्दों पर प्रक्षेपण के लिए, हमने क्या बताया दोस्तों, चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एपीडिया स्कोप का। अब पाइरोमीटर का दोस्तों कहां प्रयोग किया जाता दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने के लिए। अब बचा दोस्तों ओडोमीटर, दोस्तों यहां पे हम ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं गाड़ी द्वारा चली गई दूरी मापने के लिए। ओडोमीटर का प्रयोग कहां पे किया जाता है, चली गई दूरी, गाड़ी द्वारा चली गई दूरी यहां पे लिखना चाहिए हमको, हमने लिख दिया दोस्तों गाड़ी द्वारा चली गई दूरी मापने के लिए। ओडोमीटर का प्रयोग कहां पे करते हैं दोस्तों, गाड़ी द्वारा चली गई दूरी मापने के लिए। तो ये बातें हो गई। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहां से आपको पता चला गया कि कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है, तो वो है दोस्तों पेरिस्कोप है, और पाइरोमीटर का प्रयोग दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, एपीडिया स्कोप का प्रयोग हम चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए करते हैं, ओडोमीटर का प्रयोग गाड़ी द्वारा चली गई दूरी मापने के लिए करते हैं। 98 के बाद दोस्तों लोग 99 नंबर देखेंगे, और यहाँ पे कहा गया कि वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा है दोस्तों वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए हम लोग बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं, यानी 99 का अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब दोस्तों अगर देखा जाए तो बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था, कभी अगर ये पूछ लिया जाए कि बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था, तो बैरोमीटर का आविष्कार करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है दोस्तों इवान
इवान गेलिस्टा, गेलिस्टा, इवान गेलिस्टा, और इवान गेलिस्टा टोरिसेली, टोरिसेली ये इनका पूरा नाम है। किसका दोस्तों? ये जिन्होंने बैरोमीटर की खोज की थी, इवान, ये वाह है दोस्तों, इवान गेलिस्टा टेरिसोली। ये इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बैरोमीटर का आविष्कार किया था। चलिए 99 के बाद अगर हम देखें दोस्तों 100 नंबर क्वेश्चन, और 100 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा है बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, यानी कि 100 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग, यहाँ पे दिया गया है 101 नंबर क्वेश्चन पे, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्ट्रोबोस्कोप का, टेलीस्कोप का, हेलियोस्कोप का, सनमीटर का। तो सूर्य को देखने के लिए दोस्तों हम लोग हेलियोस्कोप का प्रयोग करते हैं, यानी कि 101 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों हम लोग 102 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे कहा विभवांतर को मापने के लिए डॉट डॉट उपकरण का उपयोग किया जाता है, अमीटर का, गैल्वेनोमीटर का, विभव मापी का, वोल्ट मीटर का। विभवांतर को मापने के लिए हम लोग दोस्तों वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा 102 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हुआ? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 102 के बाद दोस्तों हम लोग 103 नंबर क्वेश्चन, 103 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया गया है। इस पे कहा गया है कि विभवांतर को मापने के लिए, विभवांतर को मापने के लिए डट डट उपकरण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए 102 में भी सेम वही क्वेश्चन रखा गया है और 103 में भी वही रखा गया है। तो विभवांतर को मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं, यानी 103 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन हो जाएगा राइट। आगे देखेंगे 104 नंबर क्वेश्चन, और 104 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है किस यहाँ पे कि सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? जैसे कोई सर्किट है दोस्तों, उसमें बिजली के प्रवाह का पता लगाने के लिए हम निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? दोस्तों गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं, यानी 104 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग हम धारा मापी के लिए करते हैं दोस्तों, हम यहाँ पे लिख सकते हैं धारा मापी। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किस लिए करते हैं दोस्तों? धारा मापी के लिए। और एनीमोमीटर का अगर हम देखें, एनीमोमीटर का प्रयोग हवा का वेग मापने के लिए, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हवा का वेग, हवा का वेग मापने के लिए। बैरोमीटर का प्रयोग अगर हम देखें तो बैरोमीटर का प्रयोग होता है वायु दाब मापी, इसको बोल सकते हैं वायु दाब मापी, वायु दाब मापी। दोस्तों वायु दाब मापी से क्या होता है? वायुमंडल के दबाव को मापते हैं। और अगर इलेक्ट्रोमीटर की बात की जाए तो ये हम इसमें दूध की शुद्धता को मापते हैं, इसको कह सकते हैं दूध मापी। क्या कह सकते हैं दोस्तों? दूध मापी। और इसकी सहायता से दोस्तों क्या करते हैं? दूध की शुद्धता को मापते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पे हमारा गैल्वेनोमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे 105 नंबर क्वेश्चन, 105 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डॉट डॉट का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, एनीमोमीटर, क्रोनोमीटर, एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों हमारा टैकोमीटर का उपयोग किया जाता है, या टैकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। 105 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब दोस्तों वाहनों की घूर्णन गति मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वाहनों की घूर्णन गति को मापने के लिए टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देखा जाए तो स्पीडोमीटर का प्रयोग कहाँ पे होता है? स्पीडोमीटर का मोटर गाड़ियों के गति मापने वाला यंत्र होता है। स्पीडोमीटर क्या होता है दोस्तों? मोटर गाड़ियों की गति मापने वाला यंत्र होता है। एनीमोमीटर जिसे बात की जाए, एनीमोमीटर क्या होता है? हवा का वेग मापा जाता है। क्रोनोमीटर जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए, क्रोनोमीटर में इसमें अगर बात की जाए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए, जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए। ये हो गया दोस्तों। एनीमोमीटर की अगर बात की जाए तो हवा का वेग मापने के लिए, यानी कि हवा का वेग। और स्पीडोमीटर हम क्या करते हैं? मोटर की गति यहाँ पे हम क्या लेते हैं? इसको मोटर की
गति मापने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। और टैकोमीटर का प्रयोग हम क्या करते हैं, एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए टैकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर दोस्तों हम कह सकते हैं वाहन की घूर्णन गति मापने के लिए। यहां पे अगर हम लिख दें, यहां पे हम लिखे दे रहे हैं वाहन की घूर्णन गति गति मापने के लिए। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों 105 के बाद दोस्तों हम लोग 106 नंबर पे आ जाएंगे। और यहां पे देखेंगे कहा गया कि विभव मापी मूलतः एक है मापन उपकरण है, संयोजक उपकरण है, अंशांकन उपकरण है, संकेतक उपकरण है। दोस्तों ये मापन उपकरण है, यानी कि विभव मापी क्या है, मापन उपकरण है। यानी कि 106 का हमारा ए के साथ जो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 107 नंबर देखेंगे और यहां पे कहा गया है कि इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है। वोल्ट मीटर से विद्युत धारा मापने का पूछा गया, इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापी जाती है, तो कहा गया वोल्ट मीटर से, एमीटर से, ओम मीटर से, व्योम मीटर से। विद्युत धारा दोस्तों किससे मापी जाती है, हम लोग एमीटर से मापते हैं। यानी कि 107 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब एमीटर या अमीटर इसको कह सकते हैं, एमीटर कहेंगे तो भी वही बात है, अमीटर कह देंगे तो भी वही बात है। बहुत कम मात्रा में बहने वाली धाराओं को मापने के लिए मिली अमीटर या माइक्रो अमीटर का प्रयोग करते हैं, जिसमें बहुत कम धारा प्रवाहित होती है, बहुत कम धारा बहती है, उसमें मिली अमीटर या फिर दोस्तों और क्या, माइक्रो अमीटर का प्रयोग किया जाता है। जब जिसमें बहुत कम परिपथ में धारा बहती हो तो उसके लिए ऐसा होता है। यानी कि उपकरण में विद्युत धारा मापने वाला यंत्र कौन सा है दोस्तों, एमीटर है। यानी कि 107 का हमारा बी के साथ इस क्वेश्चन को राइट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों यदि आप किसी प्रकार का कोई राय या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर रेलवे एएलपी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर जितने भी मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन है उनको आपको किस टाइम पे चाहिए, उसका आप हमें मैसेज बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम लोग देखते हैं 8वां नंबर कहा गया है एमीटर। अब एमीटर क्या है, कहा गया एमीटर को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है। एमीटर में निम्न वैद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए। एमीटर कम विद्युत खींचता है। एमीटर कहा गया है उपरोक्त सभी। अब 108 का जो हो जाएगा दोस्तों, एमीटर जो है कम विद्युत भी खींचता है, बात सही है दोस्तों, ये भी में एमीटर में निम्न वैद्युत प्रतिरोध होना चाहिए, ये भी बात सही है। एमीटर को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है, ये भी बात सही है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे हमारा डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि 108 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये डी के साथ ये क्वेश्चन राइट होगा। और आगे देखेंगे 108 के बाद दोस्तों हम लोग 109 नंबर, यहाँ पे कहा गया है किसको मापने के लिए स्टैलागमोमीटर का उपयोग होता है। किसको मापने के लिए स्टैलागमोमीटर का उपयोग होता है, शुद्ध गतिकी श्यानता, पृष्ठ तनाव, अपवर्तनांक सूचक या प्रकाशित क्रियाकलाप। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा हमारा पृष्ठ तनाव जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। किसको मापने के लिए स्टैलागमोमीटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों, इसका हम लोग पृष्ठ तनाव मापने के लिए इस स्टैलागमोमीटर का प्रयोग करते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों 110 नंबर क्वेश्चन, और 110 नंबर में कहा गया है कि ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है, या दोस्तों गति मापने के लिए। तो हमने बताया है दोस्तों 110 का जो हो जाएगा वो ओडोमीटर का प्रयोग हम लोग दूरी मापने के लिए करते हैं। यानी कि 110 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों हम लोग 110 के बाद दोस्तों 111 नंबर, यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है, वेंचुरी मीटर, रोटामीटर, पिटाट ट्यूब, तप्त तार, पवन वेग मापी। कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है दोस्तों, 111 का जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे दोस्तों सी, यानी पिटाट ट्यूब इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
वेंचुरी मीटर का प्रयोग जहां पे हम लोग करते हैं किसी पाइप में बहते हुए द्रव के किसी भी बिंदु पर द्रव की मात्रा की दर मापा जाता है। किससे दोस्तों? वेंचुरी मीटर से। फिर से सुन लीजिए, वेंचुरी मीटर का जो होता है इसका प्रयोग किसी पाइप में बहते हुए द्रव के किसी भी बिंदु पर द्रव की मात्रा की दर मापा जाता है। किससे? वेंचुरी मीटर से। और रोटामीटर से दोस्तों क्या होता है? विसर्जन को मापा जाता है। रोटामीटर से किसको करते हैं? विसर्जन को मापते हैं। अतप्त तार पवन वेगी से क्या करते हैं? वायु या गैस का वेग मापने में। यहां पे अगर रोटामीटर की बात की जाए, रोटामीटर की, तो रोटामीटर विसर्जन मापन, यहां पे विसर्जन मापन हम लिख देंगे, विसर्जन मापन के लिए प्रयोग किया। वेंचुरी मीटर का हमने बताया किसी पाइप में बहते हुए द्रव के किसी भी बिंदु पर द्रव की मात्रा की दर मापा जाता है। चलिए यहाँ पे 111 का हमारा बी के साथ, वो सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है पिटार्ट ट्यूब, यानी कि 111 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 112 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि टैकोमीटर डॉट डॉट का मापन करता है मिश्र धातु के संगठन का, द्रव की प्रवाह दर का, तापमान का, गतिपालक चक्र की घूर्णात्मक चाल का। तो 112 का हमारा हो जाएगा गतिपालक चक्र की घूर्णात्मक चाल का, यानी कि 112 का डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे आ जाएंगे 113 नंबर में कहा है टैकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है? चक्कर प्रति मिनट, टार्क, घूर्णी गतिज ऊर्जा, दूरी। टैकोमीटर हमारा चक्कर प्रति मिनट को मापता है दोस्तों, यानी 113 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 114 नंबर में कहा है कि मल्टीमीटर में होता है करंट और ओम मीटर, वोल्टमीटर, ओम मीटर, वोल्टमीटर और करंट मीटर, वोल्टमीटर, करंट मीटर, ओम मीटर। मल्टीमीटर में होता है दोस्तों क्या? वोल्टमीटर भी होता है, करंट मीटर भी होता है, ओम मीटर भी होता है। जो दोस्तों हम लोग घरों में मल्टीमीटर यूज करते हैं तो उसमें वोल्टमीटर भी होता है, करंट मीटर भी होता है और ओम मीटर भी होता है। यानी 114 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसलिए दोस्तों इसका मल्टीमीटर नाम रखा गया, ठीक है। आगे देखेंगे 114 के बाद दोस्तों 115 नंबर में कहा है कि रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। क्या गलत है पूछा दोस्तों, यहाँ पे गलत हमको बताया जा रहा है, ठीक है ना। 115 का हमारा गलत यहाँ बताया जाएगा। कहा गया है इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। यह एक लघुगणकीय पैमाना है, इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जा सकता है। रिएक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप। यही हमारा गलत है, डी ऑप्शन। रिएक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप, नहीं, ये तो बहुत तीव्र भूकंप हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? बहुत तीव्र गति वाला। 8 से 9 रिएक्टर पैमाने पर अगर मापा जाएगा तो बहुत तीव्र भूकंप हो जाएगा। यानी कि 115 का हमारा डी इस क्वेश्चन का असत्य ऑप्शन बन जाएगा, यानी कि 115 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब दोस्तों अगर देखा जाए 1970 के बाद से भूकंप की तीव्रता के मापने के लिए रिएक्टर पैमाने के स्थान पर अघूर्ण परिमाण पैमाना का प्रयोग होता है। कब से दोस्तों? 1970 के बाद से भूकंप तीव्रता को मापने के लिए हम रिएक्टर पैमाने के स्थान पर अघूर्ण परिमाण। आगे देखेंगे दोस्तों 115 के बाद दोस्तों 116 नंबर, और 116 नंबर क्वेश्चन पर दिया गया है कि तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आर्द्रता मापी का, हाइड्रोमीटर का, हिप्सोमीटर का, फैदोमीटर का। इसका दोस्तों तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तरल पदार्थों के घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों आर्द्रता मापी जैसे दिया गया, इसमें क्या होता है? वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापने के लिए, आर्द्रता मापी से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापने के लिए, यहाँ पे अगर हम लिख दें आर्द्रता मापी, इसका प्रयोग दोस्तों क्या कहां पे किया जाता है? वायुमंडल में व्याप्त, यहां पे वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापने के लिए, किसको दोस्तों? आर्द्रता को मापने के लिए, ये हो गया। अगर दूसरी बात करें हम लोग यहां पे फैदोमीटर, फैदोमीटर के बाद हिप्सोमीटर पहले देख लेते हैं। हिप्सोमीटर, यहां पे दोस्तों हिप्सोमीटर जो हमारा दिया गया है,
हिप्सोमीटर समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, जहां पे हम लिख दें समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। अब बच रहा है दोस्तों फाइबोमीटर। फाइबोमीटर का प्रयोग हम लोग कहां पे करते हैं? फाइबोमीटर का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए, समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई मापने के लिए। तो ये सारी बातें हो गई दोस्तों। आगे हम लोग देखेंगे 116 के बाद दोस्तों 117 नंबर, और यहां पे कहा गया कि पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए हम लोग किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? वो है लेजर, रडार, सोनार, स्कूबा। तो वो है दोस्तों हमारा सोनार, यानी कि 117 का सी के साथ एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब दोस्तों अगर बात करें लेजर की, तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, इसका लेजर का फुल नेम होता है। ये जो लेजर लिखा हुआ है इसका फुल नेम भी क्या होता है, फिर सुन लीजिएगा, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। यानी कि 117 में हमारा जो लेजर का फुल फॉर्म हमने बता दिया, क्योंकि ये भी बहुत पूछा जाता है, और यहाँ पे पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए हम सोनार का प्रयोग करते हैं, और लेजर का हमने फुल फॉर्म बताया। और उसके बाद अगर इसका प्रयोग देखें तो शल्य चिकित्सा में धातुओं को जोड़ने व काटने या युद्ध में दुश्मनों के हथियार को नष्ट करने में हम लोग लेजर का प्रयोग करते हैं। राडार की बात की जाए तो राडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, वायुयान की दिशा व ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम राडार का प्रयोग करते हैं। अगर स्कूबा की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पे जो ये स्कूबा लिखा है, ये स्कूबा अगर इसकी बात की जाए तो गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए इसका प्रयोग स्कूबा का किया जाता है। फिर से दोस्तों समझ लीजिए, ये जो पहले लेजर हमारा था, लेजर का प्रयोग शल्य चिकित्सा में, ये यानी कि लेजर का प्रयोग शल्य चिकित्सा में, और धातुओं को जोड़ने व काटने या युद्ध में दुश्मनों के हथियार को नष्ट करने के लिए लेजर का प्रयोग करते हैं। और राडार का प्रयोग हमने बताया रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, यहाँ पे ये जो होता है वायुयान की दिशा व ऊंचाई ज्ञात करने के लिए राडार का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे स्कूबा गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए किया जाता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे हमारा 117 का सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और आगे देखेंगे 117 के बाद दोस्तों 118 नंबर, और 118 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया जहाजों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है। जहाजों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है? प्रकाश की गहराई, मछलियों की सघनता, पानी की गहराई, समुद्री वनस्पति की सघनता। दोस्तों 118 का जो हो जाएगा हमारा दोस्तों पानी की गहराई। जहाजों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है? पानी की गहराई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 118 के बाद दोस्तों 119 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगित है? वो है दोस्तों लैक्टोमीटर, यानी कि 119 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब दोस्तों हाइड्रोमीटर की अगर बात यहाँ पे की जाए, जो हाइड्रोमीटर लिखा है, हाइड्रोमीटर का इसका जो होता है दोस्तों उपकरण, या मतलब दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगित है? लैक्टोमीटर। अब हाइड्रोमीटर जो है दोस्तों इसका कहाँ उपयोग होता है? तो हाइड्रोमीटर का उपयोग होता है द्रवों का आपेक्षिक घनत्व के लिए। यहाँ पे द्रवों के आपेक्षिक घनत्व, द्रवों के आपेक्षिक घनत्व के लिए। बैरोमीटर का प्रयोग मैंने बताया दोस्तों वायुमंडल दाब के लिए, और थर्मामीटर इसका तापमान मापने के लिए, इसका किसके लिए दोस्तों? तापमान मापने के लिए। और इसका क्या, बैरोमीटर का हमने बताया क्या क्या वायुमंडल दाब मापने के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे 119 के बाद दोस्तों 120 नंबर, और यहाँ पे दिया गया, कहा गया कि ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसमें? ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 120 का हमारा बी के साथ बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्पीडोमीटर का दोस्तों यहाँ पे अगर बात कर ली जाए, ये स्पीडोमीटर
इसका प्रयोग कहां पे होता है? तो इसका प्रयोग दोस्तों होता है वाहनों की गति मापने के लिए, वाहनों की गति के लिए ही होता है। और फिर दोस्तों अगर टैकोमीटर की बात की जाए, यहां पे टैकोमीटर है अच्छा एक, ये भी जान लीजिए, पीछे हम लोग पढ़ भी चुके हैं टैकोमीटर के बारे में, वायुयान की गति मापने के लिए, वायुयान की गति मापने के लिए। और ओडोमीटर हमारा क्या होता है, यात्रा की दूरी मापने के लिए हम लोग ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। आगे देखेंगे 121 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है, दूरी मापता है दोस्तों। 121 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 122 नंबर पे देखेंगे और 122 नंबर में कहा है डॉट डॉट वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है, मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है दोस्तों ओडोमीटर या आडोमीटर, यानी कि 122 का हमारा बी के साथ ये भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 123 नंबर में दिया गया है, कहा गया कि किसी वोल्टमीटर का उपयोग डॉट डॉट मापने के लिए करते हैं, वोल्टमीटर का उपयोग विभवांतर मापने के लिए किया जाता है, 123 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर वोल्टमीटर के आविष्कार की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पे हम लिख देते हैं वोल्टमीटर के आविष्कारक दोस्तों, वोल्टमीटर के जो आविष्कारक है वो हमारे कौन हो जाएंगे, वोल्टमीटर के आविष्कारक जो है वो हैंस आरेस्टेड, यहां पे हैंस आरेस्टेड। और दोस्तों कब किया था इसकी, तो इसकी खोज चुकी थी हैंस आरेस्टेड ने वोल्टमीटर की, तो कब किया था, 1819 में किया था, 1819 में किया था, ठीक है। आगे देखेंगे यानी कि 123 के बाद दोस्तों 124 नंबर, और 124 नंबर में दिया गया है कि किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, गैल्वेनोमीटर का, एमीटर का, रियो स्टेट का, वोल्टमीटर का, तो 124 का हमारा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे हमारा ए, गैल्वेनोमीटर का। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो वह है गैल्वेनोमीटर। अब अगर दोस्तों यहाँ बात की जाए एमीटर, तो प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करने के लिए, जो एमीटर लिखा है तो प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। रियो स्टेट का प्रयोग हम लोग प्रतिरोध को कम करने में या बढ़ाने में करते हैं। वोल्टमीटर का दोस्तों विभवांतर को मापने में करते हैं। तो यहाँ पे 124 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हुआ। और आगे देखेंगे यहाँ पे हमारा 125 नंबर क्वेश्चन, और 125 नंबर पे दिया गया है कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है प्रकाश की दिशा का पता लगाने के लिए, चुंबकीय प्रेरण की दिशा का पता लगाने के लिए, ध्वनि की दिशा का पता लगाने के लिए, धारा की दिशा पता लगाने के लिए। तो दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग हम लोग धारा की दिशा का पता लगाने के लिए करते हैं, यानी कि 125 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। और आगे देखेंगे 126 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे कहा गया है कि डॉट डॉट वाहन की गति जानने में मदद करता है, दोस्तों कौन मदद करता है, वाहन की गति जानने में मदद करता है स्पीडोमीटर, वोल्टोमीटर या वेलोमीटर या लैक्टोमीटर। तो 126 का दोस्तों हो जाएगा हमारा यहाँ पे ए, स्पीडोमीटर जो होता है वाहन की गति जानने में मदद करता है, पीछे हम लोग पढ़ भी चुके हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे 126 के बाद दोस्तों 127 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि डॉट डॉट इको लोकेशन का एक प्रयोग है, कंपन है, आवृत्ति है, रडार है, सोनार है। तो 127 का हमारा हो जाएगा डी, यानी कि सोनार इको लोकेशन का एक प्रकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 127 का डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर दोस्तों सोनार की फुल फॉर्म की बात की जाए, यहाँ पे जैसे सोनार शब्द हमने लिख दिया, यहाँ पे सोनार, इसकी अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसका होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, यानी कि SOUND, साउंड नेविगेशन, NAVIGATION, नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये इसका फुल फॉर्म होता है, किसका दोस्तों सोनार का, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, यानी कि 127 का देखा जाएगा तो हमारा डी के साथ ही क्वेश्चन राइट होगा। और आगे देखेंगे 128 नंबर, कहा है उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है।
अमीटर को विद्युत धारा वो फिर ओम मीटर, अब यहां पे ओम मीटर का कहा है, ओम मीटर का हो जाएगा प्रतिरोध। इस प्रकार अमीटर जो है वो विद्युत धारा को मापता है, उसी प्रकार ओम मीटर जो है प्रतिरोध को मापता है, यानी कि 128 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 129 पे आ जाएंगे और 129 पे कहा गया है कि हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ओडोमीटर का, हाइग्रोमीटर का, एनीमोमीटर का या एमीटर का। दोस्तों हवा की गति को मापने के लिए हम लोग एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं, यानी कि 129 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट बन जाएगा। और होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा पढ़ाए गए सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह कोई डाउट या डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, या फिर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको किसी भी तरह कोई राय सुझाव हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल भी भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला देखते हैं, 129 के बाद दोस्तों हम लोग 130 नंबर, 130 नंबर क्वेश्चन पर दिया गया है, डॉट डॉट का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। 130 नंबर था। अब दोस्तों हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है, दोस्तों किसका प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा दोस्तों लैक्टोमीटर, स्पीडोमीटर, थर्मामीटर या एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 130 का डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 131 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग डॉट डॉट को मापने के लिए किया जाता है, बादल की ऊंचाई मापने के लिए, वायु की गति मापने के लिए, वायु दाब या फिर पानी की गुणवत्ता मापने के लिए। एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग दोस्तों किस लिए किया जाता है, वायु की गति को मापने के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर का उपयोग यह प्रयोग वायु की गति मापने के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 122 के बाद दोस्तों 132 के बाद 32 नंबर देखेंगे दोस्तों, 131 नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पे देख लीजिए पीछे 131 ही था और अब हम लोग 132 नंबर पे आएंगे। यहाँ पे कहा है निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है, दोस्तों ये सबको पता है, जब नार्को टेस्ट वगैरह होता है तो कौन से होता है, टेलीस्कोप, फोटोग्राफी, पॉलीग्राफ या टैकोमीटर। दोस्तों पॉलीग्राफ हमारे इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 132 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हुआ, राइट हुआ। इसे लाइट डिटेक्टर नाम से भी जाना जाता है, दोस्तों पॉलीग्राफ को लाइट डिटेक्टर नाम से भी जाना जाता है, और इसे को दोस्तों क्या करते हैं, इसे लाइट डिटेक्टर नाम से भी जाना जाता है, नार्को टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, इसको नार्को टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे दोस्तों और क्या बताया मैंने, लाइट डिटेक्टर नाम से भी जाना जाता है। और इसकी खोज जो किया था जॉन अगस्टस लार्सन ने 1921 में किया था, इसकी खोज दोस्तों पॉलीग्राफ की खोज दोस्तों, यानी इन्होंने किसने किया था, जॉन अगस्टस कब किए थे दोस्तों, 1921 में किसकी खोज किए थे दोस्तों, ये पॉलीग्राफ की खोज किए थे। चलिए आगे देखते हैं 32 के बाद दोस्तों 33 नंबर, और यहां पे दिया गया है कि लाइट डिटेक्टर उपकरण को डॉट डॉट के रूप में भी जाना जाता है, दोस्तों पॉलीग्राफ कौन सा हो जाएगा, फिर मैंने बताया कि पॉलीग्राफ का ही दूसरा नाम क्या है हमारा, पॉलीग्राफ का ही दूसरा नाम हमारा लाइट डिटेक्टर है या फिर नार्को टेस्ट है, नार्को टेस्ट नाम से भी जाना जाता है, यानी कि 133 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हुआ, राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 134 नंबर क्वेश्चन, और 134 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा गया कि भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, बोलोमीटर का, पायरोमीटर का, एमीटर का, फ्लक्स मीटर का। दोस्तों 134 का हमारा हो जाएगा पायरोमीटर, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे 134 बाद दोस्तों 135 नंबर को, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 35 नंबर क्वेश्चन दिया गया, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, तो दोस्तों अदिश राशि आपको मैं बता दूं, यहाँ पे अदिश राशि हमको बतानी है, अदिश राशि हमारा हो जाएगा विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग। तो द्रव्यमान जो हमारा है ये अदिश राशि हो जाएगा। 135 का हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सी के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबिस राशियां कौन कौन सी होती हैं, इनको आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। सबिस राशियां, तो इन्हीं में से आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आप क्लियर कर ले जाएंगे। सबिस राशियां कौन कौन सी होती हैं दोस्तों, यहां पे होता है विस्थापन, उनको रट्टा मार लीजिएगा, विस्थापन, वेग, त्वरण, फिर बल, संवेग, आवेग, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, भार, बल, आघूर्ण, आदि, ये सब क्या होती है, सदिश राशि होती है। अब सदिश राशि में क्या होता है, ये चीज ये भी जान लीजिएगा। देखिए सदिश राशि क्या होता है ये जानिए, और अदिश राशि क्या होता है, अदिश राशि, इसमें परिणाम व दिशा दोनों होते हैं, परिमाण व दिशा दोनों होता है, किसमें दोस्तों, सदिश में, और ये अदिश में जो होता है दोस्तों केवल परिमाण होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं, दिशा नहीं होती। तो ये बात हो गई। अब जैसे मैंने बताया विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, भार, बल, गुण आदि, तो ये दोस्तों जो था आवेग था, देख लीजिएगा विस्थापन, वेग मिल गया, संवेग मिल गया, बल मिल गया, तो ये अब द्रव्यमान नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारा अदिश राशि, अदिश ही पूछा गया है, तो ये बात हो गई। और दोस्तों सदिश राशि में क्या होता है, परिणाम व दिशा दोनों होता है, और अदिश राशि में केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे 136 नंबर, और यहाँ पे कहा गया कि डॉट डॉट का केवल परिमाण है, दिशा नहीं, कह रहा परिणाम केवल होता है, दिशा नहीं, वो किसमें होता है, वो होता है दोस्तों अदिश राशि में होता है, किसमें होता है, अदिश राशि में होता है, अदिश राशि में। तो अब अदिश राशि यहां से आपको ढूंढना कौन सी है, तो देखिए विस्थापन तो हमारा सदिश हो गया, और विस्थापन, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, ये कार्य नहीं मिलेगा दोस्तों, कार्य ही हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि 136 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 136 के बाद दोस्तों 137 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है दोस्तों। अब फिर यही वही चीज पूछ लिया गया दोस्तों, जो अभी पीछे क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे पूछा गया था, वही पूछ यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 137 पूछ लिया गया कि निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, यानी अदिश राशि। अब दोस्तों अदिश राशि ऐसा होता है, अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, तो अदिश राशि कौन सा होता है, हो जाएगा विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, तो एक कार्य, कार्य ही हमारा क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा, 137 का हमारा सी के साथ यहां राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है, अब सदिश तो देखा जाए तो ये विस्थापन हमारा सदिश है, विस्थापन, बल, घूर्ण सदिश है, विस्थापन, वेग, त्वरण भी सदिश है, ये जो हमारा शक्ति है ये हमारा क्या है, ये सदिश राशि नहीं है, यानी कि ऑप्शन हमारा देखा जाए तो 138 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा 138 का ए। आगे देखेंगे 138 के बाद दोस्तों लोग 139 नंबर, और यहाँ पे जो दिया गया है, कहा गया है निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है, वेक्टर मात्रा नहीं है दोस्तों। अब वेक्टर मात्रा जो होता है, सदिश राशि को ही वेक्टर मात्रा कहते हैं, अब एक चीज जान लीजिएगा, मैं लिखे दे रहा हूं दोस्तों, वेक्टर मात्रा पहली बार सुन रहे होंगे या फिर सुने होंगे, थोड़ा सा सभी सदिश बोलता तो आप समझ जाते हैं, लेकिन वेक्टर मात्रा अगर पूछे तो सदिश राशि को ही वेक्टर मात्रा कहते हैं, सदिश राशि को वेक्टर मात्रा कहा जाता है, वेक्टर मात्रा कहते हैं, ये बात हो गई ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे सदिश राशि कर वेक्टर मतलब सदिश राशि कह रहा नहीं है, अब देखिए विस्थापन तो सदिश राशि है, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, तो ये भी हमारा ए ही हो जाएगा, सदिश राशि है, और बल का गुरुत्व और विद्युत प्रवाह, तो 139 का जो यहाँ पे हो जाएगा बल, तो ये भी हमारा हो जाएगा,
यानी कि ये सदिश राशि है, ये भी सदिश राशि है, ये भी सदिश राशि है, केवल ये जो है वह विद्युत प्रवाह ये सदिश राशि नहीं है। यही हमारे इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा राइट आंसर देखा जाएगा तो ये 139 का हमारा हो जाएगा सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 140 नंबर और इस पे दिया गया है कि एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि वेक्टर राशि मतलब सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? अब अदिश राशि बताना है। विस्थापन तो हमारा सदिश हो गया, विस्थापन वेग त्वरण बल बल सदिश हो गया, संवेग भी सदिश हो गया। ये जो दाब है ये दाब हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा 140 का ए के साथ। आगे देखेंगे 141 नंबर, इसमें कहा सबसे उचित विकल्प है संवेग में डॉट डॉट होता है। अब दोस्तों संवेग हमारा क्या होता है? विस्थापन वेग त्वरण संवेग। संवेग हमारा क्या है? संवेग जो है सदिश राशि है, संवेग जो है ये है हमारी सदिश राशि है। क्या है दोस्तों? सदिश राशि है। और इसमें क्या होता है? वेग और हाँ परिमाण और दिशा दोनों होता है। क्या होता है दोस्तों? परिमाण व दिशा, दिशा होती, परिमाण व दिशा होता है। तो यहां पे हो जाएगा परिमाण और दिशा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 141 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 142 नंबर, यहाँ पे कहा सदिश राशि का उदाहरण है, सदिश राशि का उदाहरण है या वेक्टर राशि का उदाहरण है विस्थापन वेग, वेग हो गया यही कह रहे ना सदिश राशि का उदाहरण, तो वेग हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो 142 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 142 बाद दोस्तों 143 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे कहा गया है कि एक सदिश राशि में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, ठीक है, जबकि अदिश राशि में केवल परिणाम होता है और दिशा नहीं होती है। निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? विस्थापन है दोस्तों, विस्थापन वेग त्वरण बल संवेग आवेग भार बल घूर्ण, ये हमने बताया क्या होती है? सदिश राशि होती है। देखिए इतने से रट लेंगे तो इतने से आप यह सभी सदिश में पहचान कर लेंगे। तो 143 का क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे सी, यानी कि विस्थापन हमारा क्या है? सदिश राशि पूछा, तो सदिश राशि हमारा 143 का सी के साथ क्वेश्चन होगा, बिल्कुल राइट। आगे देखेंगे 143 नंबर, 144 नंबर, और यहाँ पे दिया गया है, कहा निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? वेक्टर मात्रा मतलब दोस्तों सदिश राशि पूछा गया, फिर विस्थापन वेग त्वरण बल संवेग, तो यहाँ पे वेग हो जाएगा। वेग हमारा यानी 144 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। वेक्टर मतलब सदिश राशि पूछा है, 144 का डी के साथ क्वेश्चन होगा राइट। आगे देखेंगे 144 बाद दोस्तों 145 नंबर, निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? बल वेग की, बल त्वरण की, बल विस्थापन की, बल संवेग की। तो 145 का हो जाएगा यहाँ पे बल और त्वरण की, जो बल और किसी जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है। विस्थापन वेग त्वरण बल संवेग आवेग, तो बल और त्वरण की हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे दिशा हमेशा एक समान होगी, यानी 145 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल राइट। आगे देखेंगे 146 नंबर दोस्तों क्वेश्चन, और दोस्तों अगर आपको वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आ रही तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि यदि जितने भी रेलवे के यहाँ पे ओल्ड ऑफिशियल पेपर, उन सारे पेपरों का सोल्यूशन दिया जा रहा है, और दोस्तों जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों का चैप्टर वाइज यहाँ पे अध्ययन भी करवाया जाता है दोस्तों, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो साइंस हो, या फिर अदर कोई सब्जेक्ट हो। और दोस्तों अगर आपका कोई राय या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों 146 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। यहाँ पे कहा गया कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को डॉट डॉट कहा जाता है, सदिश कहा जाता है, अदिश कहा जाता है, द्वि अदिश कहा जाता है, द्वि सदिश कहा जाता है। तो 146 का दोस्तों कहा गया है कि भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है, यानी दिशा की भी जरूरत होती है, वो होता है हमारा सदिश राशि, यानी 146 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 147 देखेंगे, और यहाँ पे कहा है कि निम्न में से किसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है? दिशा और परिणाम दोनों होता है दोस्तों, वो होता है सदिश राशि में। किसमें होता है दोस्तों? सदिश में होता है,
अब सदिश राशि यहां पे कौन सी हो जाएगी वो हमको यहां पे जांच करके बता देना है। विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, तो ये संवेग हमको मिल गया। तो 147 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 148 नंबर और 148 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है आगे, निम्न में से डॉट डॉट अदिश राशि नहीं है, अदिश राशि नहीं है। तो अदिश राशि दोस्तों नहीं है इसमें, अब देखते हैं अदिश राशि में कौन सी नहीं है। तो निम्न में से अदिश राशि नहीं है, अब दोस्तों विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, बल जो है हमारी अदिश राशि नहीं है, ये हमारी क्या है सदिश राशि। इसमें ही पूछा कि अदिश राशि कौन सी नहीं है, तो हमारी बल जो है वो अदिश राशि नहीं है, यानी कि 148 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और 149 दोस्तों आज के पार्ट का हम अंतिम क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे हमारा दिया गया कार्य में डॉट डॉट होता है, कार्य में कोई दिशा नहीं होती केवल परिणाम होता है, दिशा और परिणाम दोनों ही नहीं होते हैं, दिशा और परिणाम दोनों होते हैं, केवल दिशा होती है परिणाम नहीं। दोस्तों विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, भार, बल, अवगुण, इसमें कहीं वो कार्य नहीं मिला, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा अदिश राशि पहुंच जाएगा। अदिश राशि में केवल हमको परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, तो कोई दिशा नहीं होती, देखिए कोई दिशा नहीं होती केवल परिणाम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 149 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह कोई डाउट या डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और दोस्तों यदि आपको कोई सुझाव या राय हो तो आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो इस बीच में पसंद आ रही है तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों साथ में आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।